Siamo Yuddin! आपने कभी कभार शायद मतब नवल किशोर वाले मैं बचपन में इन्हें नवल किशोर पढ़ा करता था कभी कभार उनके मतबे की छपी हुई कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ी होगी ये मुंशी नवल किशोर ने अपने मतबे से तमाम क्लासी की शौरा उर्दू और उर्दू के नसर नगारों की तख्लीक़त शाया करके इन दोनों ज़बानों उर्दू और फ़ारसी की बेलौस ख़िदमत अंजाम दी तारीख़ अदब में इनका ये कारनामा हमेशा यादगार रहेगा फिरदौसी दोसी का शाहनामा निज़ामी का ख़मसा जामी का ख़मस खुसरो का खमसा कलियात साइब कलियात सादी क्लियात जहीस फ़ाराबी कलियात ख़ाकानी कलियात बेदल दीवान हाफिज़ दीवान हजी उर्दू के शहरा मीर सौदा मीर दर्द मुसफ़ी इनशा जुरत नासिक आतश गालिब, जमीर वजीर, सबा असीर, अमीर नज़ीर अखबार आबादी किस किस का नाम लिया जाए मतपा नवल किशोर में छपी हुई किताबों की तबात के हसन और नफासत और दीदा जेबी की वजह से अफग़ानिस्तान ईरान मिस्र लंदन तुर्की बर्मा जावा सुमात्रा इराक़ बुखारा और अफ्रीकी मुल्कों से भी इनकी फरमाइश आती थी लखनऊ में मशहूर है कि जिस क़द्र मुहदस मर्रख अदीब इस मतबे में थे हिंदुस्तान के किसी दूसरे मतबे को नसीब न हुए मुंशी जी अपने मतबे से वाबस्त अरबाबा फजलो कमाल की पूरी कदरदानी करते थे उन्हें फिक्र माश से आज़ाद रखते थे ताकि वो पूरी जमी और यकसुई के साथ इल्म फन की खिदमत में मशगूल रहें मुंशी नवल किशोर उर्दू की बका और उसके तहफ़ के लिए हमेशा एक निडर सिपाही की तरह खामोश जिहाद करते थे अट्ठारह सौ अड़सठ में इलाहाबाद में तहरीक चली कि उर्दू की बजाय हिंदी को रिवाज दिया जाए और ख़त देवनागरी हो अलीगढ़ के एक अखबार में इसकी हिमायत में एक मजमून में मुफसल बहस की गई मुंशी नवल किशोर ने मकाल नगार की फरमाइश पर ये मजमून अपने अखबार में छाप तो दिया लेकिन अगले पर्चों में इसके इस्तलाल की धज्जियाँ बखेर दीं और तमाम दलाइल को बेमानी लफाजी से ताबीर किया उन्होंने लिखा कि उर्दू में दूसरी ज़बानों के वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो खप जाएँ इन अल्फाज के इस्तेमाल में ख़ास सलीका बरता जाता है यही वजह है कि उर्दू की अदालतों में इन्हें मकबूलियत हासिल हुई और सरकारी तहरीरों में ये ज़बान इस्तेमाल की गई इसकी तइज में ख़ुद हज़ार हा हिंदुओं की आरा पेश की जा सकती हैं भला ये कौन सी अक्ल की बात है कि उर्दू के इवज़ जो एक नहायत शीरें और शस्ता ज़बान है और जो आम तौर पर समझी जाती है हिंदी को फ़रो देने की कोशिश की जाए जो एक नहायत भद्दी और दुरुस्त ज़बान है जिसके हरूफ देखने में भी भले नहीं मालूम होते मुंशी नवल किशोर अपने मज़हब में पुख्ता अकीदा रखने के बावजूद एक गैर मुतासब शख्स थे और हर शख्स से उसके मरतबे और दर्जे को मद्नजर रख कर उससे वैसा ही पेश आते थे मुसलमानों की मजहबी कुतब की किताबत के सिलसिले में उनका हुक्म था कि कातिब साबान बाज़ू होकर किताबत करें वज़ादारी के बारे में मशहूर है कि मौलाना अमीर अली अमीरअली मलिबादी मुशनफ़ तफसर तफ्थ, रहमान जो मतबे से वस्ता रहे थे बहुत साल तक जब ज़यफ़ी के बायस बास दोष होकर मलिहाबाद चले गए तो हर हफ़्ते मुंशी नवल किशोर उनसे मिलने मलिहाबाद जाते थे और लखनऊ का मशहूर ख़मीरा उनके लिए बतौर तोहफ़ा ले जाते थे मुंशी जी मुत्द देहात में ज़िम्मेदारी करने से ताल्लुक़दार भी हुए हुए और लखनऊ की बेंच के ऑनररी मजिस्ट्रेट भी मुंशी नवल किशोर कुरान मजीद की हरमत और तकद्दस का जिस क़दर ख्याल रखते थे इतना ख्याल अक्सर मुस्लिम भी नहीं रखते उनकी ताकिद थी कि हर एक पाक साफ लिबास में बावजू होकर कुरान मजीद की तबाद का काम शुरू करे वो खुद भी गसल करके साफ सुथरे कपड़े पहनते पाक और साफ मसनत पर बैठते एक धुली हुई चादर अपनी रानों पर डालते और इस एहतमाम के बाद कलाम मजीद की किताबत और प्रूफ मुलाहज फरमाते अपने सामने कुल मशीनें धुलवा कर उनके तमाम कल पुरजे पाक साफ कराते तब इस मतबे पर कुरान मजीद छपता था अव्वल तो कोई कागज़ नीचे गिरने न देते दूसरे फरते एहतियात से मतबे के गिर्द फर्श पर भी धुली हुई चादरें बिछवाते थे